नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप का ब्लॉग। हम राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, काफी लोगों का सवाल रहता है सर जी, जैसे कि हमारी गर्भवती गाय या भैंस हैं, तो गर्भवती हो गई हैं तो क्या गर्भवती होने के बाद भी हिट में आ सकती हैं? तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिये, अगर हम बात कर लेते हैं हमारी गाय या भैंस को AI कराने के बाद गर्भवती हो जाते हैं, या हम बुल द्वारा भी क्रॉस कराते हैं, जैसे जिसके पास सुविधा होती है। लेकिन होता क्या है, जैसे अगर बुल से क्रॉस कराया जाता है तो गर्भ रुकने के चांस ज्यादा होते हैं, और जिस तरह से हम लोग AI करा देते हैं, AI कराने के बाद थोड़ा उनका गर्भ रुकने के चांस कम रहता है। इसके पीछे कई रीजन और कई कारण सामने आते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि हम जब अपने पशुओं को क्रॉस कराते हैं, AI कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो उससे क्या होता है, बुल द्वारा और पशु डॉक्टर द्वारा जो AI करा जाता है, अगर बुल से क्रॉस कराया जाता है तो जो भी पशु होते हैं, जैसे कि देखा जाता है लंबे समय तक हिट में आना, तो लंबे समय तक जिसका हिट रहता है वो संतुष्टिकरण ना मिल पाना, ये भी कारण होता है कि नहीं गर्भ ठहरती। और जैसे बुल से क्रॉस कराया जाता है, तो जैसे बुल को ले जाते हैं तो उसमें मान लो कि समय लगता है, आधा घंटा या एक घंटा भी लग जाता है, तो क्या है उस समय जो है संतुष्टि उन्हें मिल जाती है। बाकी अगर AI द्वारा बात किया जाए तो AI जो होता है 2 मिनट में AI करके लोग चले जाते हैं जो भी पशु डॉक्टर है। तो इससे क्या है कि जो हम बुल द्वारा क्रॉस कराएंगे उससे गर्भ रुकने की क्षमता यानी चांस ज्यादा है। कभी कभी ऐसा भी समस्या हो जाती है, जैसे कि हम सीमन करवाते हैं तो कभी कभी सीमन जैसे एक्सपायर हो गया है तो भी वो नहीं काम करेगा, या सीमन जो बॉक्स में रखा जाता है उसके अंदर गैस भरा जाता है, और गैस अगर उनका खत्म हो गया है, आपको क्या पता चलेगा, जैसे गैस खत्म हो गया है वो लेट डलाए उसमें गैस, तो भी जो भी अंदर सीमन है वो भी मर सकता है। तो इस तरह से जो है AI से थोड़ा होता है, लेकिन AI के भी फायदे होते हैं। जैसे कि AI के फायदे की बात किया जाए तो AI फायदे यही होते हैं कि आपके पशु में जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो जाता है ना, क्रॉस कराने वाली इन्फेक्शन, तो इससे इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता। अब बुल में क्या है कि इन्फेक्शन होने का भी चांस हो सकता है। कैसे, जैसे किसी पशु को इन्फेक्शन है, बुल उसे क्रॉस किया, फिर वही बुल दूसरे पशु को क्रॉस करेगा तो वो इन्फेक्शन उसको भी फैल जाता है, ऐसा भी दिक्कत देखने को मिला है। देखिए, अगर हम आप बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारी गर्भवती गाय है या भैंस है, हिट में आती हैं या नहीं आती। देखिए, अगर हमारी गाय या भैंस गर्भवती हो गई है, काफी लोग मन में डाउट्स था, हमें कई बार कमेंट भी आया, तो देखिए अगर इस तरह से है आपकी गाय भैंस गर्भवती हो गई, गाय हो भैंस हो कटली हो बछड़ी हो गर्भवती हो गई हैं तो हिट पे नहीं आएंगी, और जो हिट पे आई हैं वो गर्भवती नहीं हो सकती, क्योंकि कंफर्म है अगर वो गर्भवती है तो हिट पे नहीं आएगी, और हिट पे आ गई है तो गर्भवती नहीं है। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूले, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं लिंक उसका।